हेलो दोस्तों, अगर आपके स्पीकर की मैग्नेट आउट हो जाए तो उसे ठीक कैसे करें, आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी मैग्नेट है जो आउट हो चुकी है। देखिए, एक तरफ खिसक गई है। ये दोस्तों इसलिए होता है कि हमारा स्पीकर ज़्यादा गर्म हो जाए, उसके बाद मैग्नेट आउट हो जाती है। हम सबसे पहले इसको पेचकस की सहायता से खोलेंगे। ये दोस्तों ध्यान पूर्वक करना होगा, वरना चोट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। देखिए, पेचकस लगा के मैग्नेट को उठा लेंगे। हम इसे पेंच लगा के भी मैग्नेट को उठा सकते हैं। जो पेंच लगेगा उसी को अंदर कस देंगे ताकि मैग्नेट ऊपर उठ जाए, ऊपर वाली प्लेट। इसी प्रकार नीचे वाली प्लेट को भी ऊपर से धक्का मार के नीचे निकाल लेंगे। ये हमारी मैग्नेट अलग हो गई है और हम इसको अच्छी तरह से साफ भी कर लेंगे जो पहले लगी हुई थी बॉन्ड। अब हम एक फ्रेम बनाएंगे लकड़ी के कत्ते का, चारों तरफ इसमें फिट आ जाए अच्छी तरह से, और नेगेटिव भी फंसा लेंगे इसके चारों तरफ। देखिए, ऐसा हार्ड गत्ता डालना है ताकि दबे नहीं। चारों तरफ बॉन्ड टाइट लगा देंगे मिलाकर। और ये फ्रेम देखिए, पहले लगा के देख लेना हमारा मैग्नेट साइड में तो नहीं चिपक रहा है, पहले ही देख लेना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इसको इसी तरह से रख देंगे। ऊपर वाली प्लेट होती है उसे हम कोई डब्बे या किसी सहायता से पकड़ लेंगे जो इसकी साइज में फिट हो। अब हम बॉन्ड टाइट लगाएंगे इसके चारों तरफ। ये अच्छे थे दोस्तों, याद रहे कि बॉन्ड टाइट बाहर की तरफ लगाएं, अंदर की तरफ लगाने से बॉन्ड टाइट अंदर ही फैल जाएगी, बाहर की तरफ होगी तो बाहर आएगी। ये हमें ध्यान पूर्वक धीरे से रख देना है ताकि दोस्तों याद रहे उंगली इसके बीच में ना रखें, वरना चोट लगने का खतरा बना रहेगा। देखिए, हमने ऊपर वाली प्लेट सबसे पहले चिपकाई है। अब हम नीचे वाली प्लेट लेंगे, उसमें भी कागज़ का कत्ता फिट करेंगे जिसकी साइज में अगर ये मैग्नेट उतर जाए। दोस्तों याद रहे, चारों तरफ से बिल्कुल फिट होना चाहिए ताकि मैग्नेट वापस आउट ना हो। थोड़ी भी आउट हुई तो आपकी कोयल घिसके ख़त्म हो जाएगी और स्पीकर में आवाज़ आएगी। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी सी जगह रही जिसमें नेगेटिव डाल लिए ताकि अच्छे से फिट हो जाए और सेंटर पर फिट हो, क्योंकि मैग्नेट चिपकने के बाद इधर साइड में खिसकता रहता है। अब हम इसके बॉन्ड टाइट लगाएंगे चारों तरफ। देखिए, हम चारों तरफ बॉन्ड टाइट लगाएंगे। दोस्तों थोड़ी सी बाहर की तरफ लगाएंगे ताकि बॉन्ड टाइट अंदर की तरफ ना चल जाए, क्योंकि फिर बाद में कॉइल सेट करेंगे तो ये बॉन्ड टाइट टच होगी। देखिए, अब इसको ये गोल गत्ता है इसे दबा कर मैग्नेट को ऊपर से रख देंगे। दोस्तों इसमें उंगलियां बाहर होनी चाहिए, वरना उंगलियों में चोट लग सकती है क्योंकि एक ही दम चिपकेगी। ये देखिए, इसको अच्छे से चिपका लेंगे चारों तरफ से। ये गत्ता टाइट फिट कर दिया हमने, थोड़ा उल्टा रखेंगे, थोड़ा दबा देंगे इसको ताकि मैग्नेट अच्छी तरह से चिपक जाए।
निकाल लेंगे। निकाल लिया, हमारी मैग्नेट बिल्कुल एक्यूरेट सही हो चुकी है, बिल्कुल चारों तरफ से। अब आप इन्हें चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे।